अदनान किसके लिए? किसके लिए हो सकता है? किसके लिए? अभी देख रहा हूँ मैं सच बोलने पे आवाज है कुछ तो एल्विश भाई समझते हैं क्या है ना सच बोलने पे लोगों को बहुत सच हजम नहीं हो रहा है तो इसलिए मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत बदतमीजी से बात कर रहा है और गालियाँ यूज कर रहा है तो ऐसे तो ऐसे इंसान को जो लड़कियों से लड़ रहा है मैं उसके लिए फिर छुरी लाया हूँ उसको गिफ्ट में देना चाहता हूँ ताकि वो छुरी पहले फिर लड़ेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मिलन ये एल्विश के लिए आप लाए यस वापस देख रहा हूँ अभी रिसेंटली मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया बिग बॉस के ऊपर लोगों ने क्वेश्चन किया था आप लोगों ने क्वेश्चन किया था देखो सबका अपना अपना ओपिनियन है मैंने देखो अपने लोग बोले कि यूट्यूबर कम्युनिटी देखेंगे तो दूसरा इंसान यूट्यूबर कम्युनिटी ही है पर मैंने बोला कि दूसरा इंसान अच्छा खेल रहा है क्योंकि वो डे वन से है और बहुत ही अच्छा खेल रहा है अभी रिसेंटली जो उसकी चीज़ हाईलाइट हुई है उसमें दिखी आई है थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस वाला वो सब चीज़ें एक तरफ मगर मुझे पर्सनली अगर पूछेंगे तो मुझे उसका गेम अच्छा लगा तो इसलिए मैंने उसकी तारीफ की ऑन द अदर साइड अभी एल्विश ने बहुत बार हम पर वीडियोज़ वगैरह बनाया वो तो छोड़ो उसके बाद में मैं खाली अपना ओपिनियन शेयर किया तो मैंने कुछ चीज़ें देखा था कि सलमान खान सर के बारे में सलमान खान भाई के बारे में वो बहुत उल्टा सीधा बोला था और नाम लेने के बात कर रहा था उनके फैंस उनको बहुत ही बोलकर बहुत ही हिंदी लैंग्वेज यूज़ करके बात कर रहा था और आज उसको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि वो सलमान भाई के शो में आ गए तो बस मैं वही सब चीज़ें बताया तो और वो सब चीज़ छूट गई और सब लोग हेट देने लगे तो मैं बोला कि इतना सच अगर हज़म नहीं हो रहा तो थोड़ा और सच लड़कियों से लड़ रहे हैं तो उसके लिए एक और बर्थडे में गिफ्ट लेता हूं ऐसा कब तक चलेगा भाई ऐसा कब तक चलेगा आज आपने क्या करोगे कब तक चलेगा देखो मेरी आदत नहीं है ये सब चीज़ें अभी बहुत टाइम से मैं देख रहा था वो कर रहा है और रिसेंटली मेरे वन ऑफ द वेलविशर ने वो वीडियो तक शेयर किया जिसमें वो हमारे फैंस को और टीम 07 के फैंस को और सलमान खान सर के फैंस को झुग्गी झोपड़ी वाले और बहुत ही फालतू चीज़ें कि लोग के बेरोजगार हैं पढ़े लिखे नहीं हैं जाहिल हैं तो डिस्क्रिमिनेशन ये तो उसकी आदत ही है को रोस्ट करना और दूसरों पे फालतू बातें करना और गालियाँ देना तो मैं वो देखा तो मैं सोचा कि मैं अपना ये चीज़ बोल के और भाई तक का ये चीज़ पहुँचे और भाई देखे आप उसको उसके जाके लगता है आपने यूट्यूब वीडियोज़ नहीं देखे वो बहुत टाइम से कंटिन्यू वीडियोज़ में आ रहा है और बहुत ज़्यादा बोलते आ रहा है तो ये बंद कर दो और झुग्गी झोपड़ी वाले मुंबई वाले को डिस्क्रिमिनेट करते हैं इन लोग फ़र्क लाते हैं मुंबई दिल्ली क्या पता क्या इन लोग क्या समझते हैं और झुग्गी झोपड़ी पंचर बनाने वाले इन लोग ये सब वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जहाँ से भी आए हैं और ब्लेस्ड फील करते हैं और हर हाल में हम लोग शुक्र करते हैं हम लोग जहाँ से भी आए प्राउडली बोलते हैं आज भी बोलते हैं कि प्राउडली कि हाँ हम लोग हैं वहाँ से और हम लोग को फ़ख्र है कि हम लोग वहाँ से हैं पर आज इस मुकाम पे है जहाँ पे लोग सोचते हैं भाई आप भी सोशल मीडिया का स्टार हो ये भी सोशल मीडिया का स्टार हो दोनों सोशल मीडिया का स्टार हो एक दूसरे के ना मिलके रहे एक दूसरे का ध्यान रखने से अच्छा कि फ्रेंड्स के ऊपर दबाव पड़ेगा भाई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग जो भी लोग जितने भी लोग मेरे से पर्सनली मिलते हैं चाहे वो क्रिएटर हो या ना हो हमारी इंडस्ट्री का हो या ना हो पर्सनली जो भी मिलता होगा वो कभी भी मेरे बारे में कुछ गलत नहीं बोलेगा पर इन लोग मिले नहीं है शायद इस वजह से इन लोग के माइंड में एक मेंटालिटी एक इमेज सेट हो गई है और इन लोग हेट दे रहे हैं पर शायद इन लोग मिलेंगे तो इन लोग का जो पर्सपेक्टिव है जो इन लोग का माइंड सेट है वो चेंज हो जाएगा।